हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कुछ अपडेट अच्छा होता है तो कुछ अपडेट प्रेरणा देने वाला होता है। हम बात कर रहे हैं 3 बार के विश्व चैंपियन रहे जूनियर गोल्फर अर्जुन भाटी की। आप सोच होंगे अर्जुन भाटी का जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल 8 साल के करियर के दौरान अर्जुन ने देश विदेश से जीती अपनी 102 ट्रॉफीज बेच दी है। देखिए, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। बेची हुई ट्रॉफी से पैसे जो अर्जुन ने जुटाए उनका इस्तेमाल अर्जुन ने अपने खुद के लिए नहीं किया, एक नजीर पेश की और ये पैसा पीएम केयर्स में दान कर दिया। ये है अर्जुन भाटी, उम्र 15 साल, पेशे से गोल्फर, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा इतना कि 8 साल के कैरियर के दौरान देश के लिए जीती ट्रॉफी देश के लिए ही दान कर दी। अर्जुन ने अपनी 102 ट्रॉफी बेचकर जुटाए पूरे 4,30,000 रुपए कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। अर्जुन के नाम पिछले साल कैलिफोर्निया में जीती गई जूनियर गोल्फ विश्व चैंपियन ट्रॉफी भी है, जिसे उन्होंने 21,000 रुपए में बेचा। इसके अलावा अर्जुन ने 2016 में अंडर 12 और 2018 में अंडर 14 गोल्फ विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। अर्जुन की दादी ने मुश्किल वक्त में देश की मदद के लिए अर्जुन का हौसला बढ़ाया और सेना की तरफ से दी जाने वाली 1 साल की पेंशन करीब 2,06,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में दान दिए। अर्जुन ने दादी के साथ फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, देश विदेश से जीत कर कमाई हुई 102 ट्रॉफी संकट के समय दान कर दी, उनसे आए 4,30,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में देश की मदद को दिए। यह सुनकर दादी रोई, फिर बोली कि तुम सच में अर्जुन हो, आज देश के लोग बचने चाहिए, ट्रॉफी तो फिर आ जाएंगी। तो देखा आपने कैसे अर्जुन ने मिसाल पेश की है और अर्जुन भाटी हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन आपका नमस्ते भारत में। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी मुश्किल से जो अचीव किया वो आपने एक पल में दान दे दिया। इतना बड़ा दिल कैसे दिखाया आपने? ये तो हमारी देश इतना डिफिकल्ट और क्रूशल टाइम से गुजर रहा है तो बिल्कुल भी मुझे दुख भी नहीं हुआ। और ये हर सिटीजन का ड्यूटी भी और संस्कार भी ये कहते हैं कि अगर किसी बूढ़े पिता हैं अगर किसी परिवार में और वो बीमार हैं तो उनके बच्चों को उनकी सेवा करनी चाहिए, तो यही मेरा कर्तव्य है और मुझे ऐसा करना भी चाहिए था। अर्जुन, आपका नाम वाकई में अर्जुन है, आपकी दादी ने जो बात कही ये सुनकर आपको कैसा लगा था उस वक्त? मुझे बहुत अच्छा लगा था जब हमारे परिवार के कोई बड़े सदस्य ऐसा बोलते हैं, आपकी तारीफ करते हैं तो और अच्छे करने की जागरूकता मिलती है, इंस्पायर होते हैं और अच्छे अच्छे काम करें ह्यूमैनिटी के लिए, और जो गोल्फ में मैं कर रहा हूँ और अच्छे करने की हौसला मिलता है। जी अर्जुन, आज का अर्जुन कहूंगी मैं आपको, आज का अर्जुन ना सिर्फ शूरवीर है गोल्फ के जरिए बल्कि दान भी करने में शूरवीर है। लेकिन अर्जुन, आपकी दादी ने आपको कितना इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने भी आर्मी से मिलने वाली अपनी पेंशन दान की है, 1 साल की पूरी पेंशन। उस परिवार के बारे में बताइए जहां पले बड़े हैं, जहां इस तरह की प्रेरणा आपको मिली है। मेरे दादाजी आर्मी में थे और मेरी दादी जी ने मुझसे ये बोला कि हमारे लिए देश ने इतने सालों हमारी इतनी सहायता की है तो अब हमारी बारी है कि हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए था। फिर मेरी दादी जी ने अपनी 1 साल की पेंशन पीएम केयर रिलीफ फंड्स में दे दी थी, तो उस दिन मैं भी बहुत भावुक हो गया था कि मेरी दादी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हैं। फिर मुझे दादी से तो हर रोज़ इंस्पिरेशन मिलती है कि वो इतने इतने अच्छे काम करती हैं और वो ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है आज के वक्त। अर्जुन, अगर आप अपील करते तो आपकी अपील पर बहुत सारे लोग डोनेशन देते जिसे आप आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन खुद की अचीव की हुई ट्रॉफीज को बेच देना, इतनी हिम्मत कैसे आई आपके? हिम्मत मतलब एज सिटीजन हमारा तो ये कर्तव्य बनता है हर सिटीजन को कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग से जरूर डोनेट करना चाहिए, क्योंकि यही मेरी अर्निंग थी। मैं अगर पापा से पैसे लेता वो मेरी अर्निंग नहीं होती, यही मेरी 8 साल की पूरी मेहनत थी, तो मैंने सोचा मुझे इनको ही बेच के कुछ ना कुछ अपने देश के लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता हूँ और मेरे हाथ में तिरंगा होता है वो अलग फीलिंग होती है, हर आदमी भावुक हो जाता है, और मेरे लिए देश ने इतना सब कुछ किया तो मुझे भी करना चाहिए अपने देश के लिए कुछ ना कुछ। अर्जुन, आप जब बोल रहे हैं ना तो आपके दिल से ये बातें निकल रही हैं और वो लोग महसूस कर रहे होंगे जो एबीपी न्यूज इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना तो हमारी अर्निंग हमारी पॉकेट मनी हुआ करती थी, और अगर हमें 10 रुपए भी मिले हैं ना तो हम उसको किसी और पर भी नहीं खर्च करते थे। दान देना तो बहुत दूर की बात है,
इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा दिल, अपने पैसे को जब आदमी इस उम्र में अपने पास रखना चाहता है, अपने ऊपर खर्च करना चाहता है, वो आपने देश के नाम कैसे करने का मन, इतना बड़ा दिल कैसे बना पाया, आप मन कैसे बना पाए? बस सीधी सी बात है कि देश हमारे लिए इतना सब कुछ करता है, देश हमारे पिता हैं और हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहिए। और मुझे ये नहीं था कि मुझे अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा वन तन सब मेरे लिए, सब मेरे वतन ही है और मेरे लिए देश सबसे सर्वोपरि है और मेरे लिए देश से कुछ बड़ी चीज नहीं है। और अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना खून भी दे सकता हूँ अपने देश के लिए। अर्जुन, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके शरीर का एक एक कतरा खून का आप देश को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप एक खिलाड़ी हैं, आपके खून से ज्यादा आपके पसीने की जरूरत है देश को। इतनी छोटी उम्र में आपने ट्रॉफीज बेचकर, जिसका सबसे बड़ा मोह होता है खिलाड़ी को, दान कर दी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे भविष्य में आप क्या देखते हैं, देश को क्या देना चाहते हैं? देश में मैं जो भी सहायता कर सकता हूँ किसी भी तरीके की, मैं चाहूंगा तो नहीं कि ऐसा कुछ हो आगे, लेकिन अगर होता है तो मैं जरूर अपने देश की किसी भी तरीके से सहायता करूँ तो मैं जरूर करूँगा। जैसे मैं अगर लोगों को मैसेज दूँ तो लोग प्लीज उसे देखें, जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है, अभी कुछ लोग देख नहीं रहे हैं, मतलब इग्नोर कर रहे हैं अभी मोदी जी की बात को। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा देश की मैं किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूँ, मैं अवश्य करूंगा और मेरा कर्तव्य भी यही बनता है। आपको इस वक्त नमस्ते भारत पे मतलब करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो कोई अपील आप करना चाहेंगे नमस्ते भारत के जरिए देश के तमाम लोगों के लिए इस वक्त संकट की घड़ी में, वो भी इस तरीके से बड़ा दिल दिखाएं? जी प्लीज, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, कुछ ना कुछ अपने लेवल पे जरूर डोनेट कीजिए, चाहे छोटी रकम या फिर बड़ी रकम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपका दिल दिखा जाता है आप किस भाव से दे रहे हैं। और अगर आप प्लीज लॉकडाउन का अच्छे से तरीके से पालन करें, अभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो अभी जो 21 दिन का लॉकडाउन है जो गवर्नमेंट ने किया है, वो अभी अच्छे तरीके से मान नहीं रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा प्लीज मोदी जी की बात मानिए, वो हमसे बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी उन्होंने गाइडलाइंस गवर्नमेंट अथॉरिटीज दे रही है, डॉक्टर्स दे रहे हैं, प्लीज उसको अच्छे तरीके से पालन कीजिए। अर्जुन, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है आपसे बात करते ही जाए करते ही जाए, क्योंकि आप दिल से बोल रहे हैं और लोग आपको सुनना भी चाह रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हमें ऐसा लग रहा है कि आप हरफन मौला भी हैं, आप गोल्फ के अलावा और भी कुछ करते हैं, क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, लोग जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। मेरी हॉबीज तो यही है कि मैं मतलब हिंदी की बुक्स मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और जैसे ही क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है इसमें मैंने महाभारत देखी और मैंने रामायण शुरू कर दिया, और मुझे ज़्यादा मतलब मेरा मन जो करता है वो बुक्स पढ़ने का करता है। और मेरी गोल्फ के अलावा सिर्फ मैं फिटनेस की हॉबी है, बस मैं गोल्फ से भी ज़्यादा पे फोकस करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन, आप जुड़े हमारे साथ। हालांकि गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसमें कंसंट्रेशन बहुत चाहिए होता है, एकाग्रता बहुत चाहिए होती है, और अच्छी बात यह कि आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं, तो किताबें कुछ देना जे आपको एकाग्रता जरूर देती हैं, पेशेंस बहुत देती हैं।